दोस्तों आपका स्वागत है एसके टेक्नोलॉजी चैनल में। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे यहाँ पर IERT प्रयागराज का रिजल्ट आ चुका है। जिन्होंने अप्लाई किया था इसका एंट्रेंस हो उनके लिए खुशखबरी, इसका रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए जानेंगे कैसे रिजल्ट चेक करना है और आगे का प्रोसेस क्या क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे एडमिशन कराना है। तो चलिए ये देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल पेज है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे नीचे रिजल्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू व्यू योर एंट्रेंस रिजल्ट 2019। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको इंटर करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको सिंपली रोल नंबर इंटर कर लेना है और उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ इंटर करके रिजल्ट पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे आगे। तो रोल नंबर आप इंटर कर ले अपना, 6 डिजिट का रोल नंबर होगा। उसके बाद जो है अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो सेलेक्ट कर लेना है आपको। इसके बाद दोस्तों जो है चलिए डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद आपको सर्च पर सिंपली क्लिक कर देना। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो अगर आप क्वालिफाई होंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ आपका रोल नंबर, नेम और फादर्स नेम और DOP और आपका कैटेगरी और यहाँ पर रैंक शो करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट है, यहाँ पर जनरल रैंक 288 और OBC रैंक 215 है। तो दोस्तों इस प्रकार, और यहाँ पर लिखा है यू आर क्वालिफाइड, अगर आप क्वालिफाइड नहीं होंगे तो आपका रिजल्ट शो नहीं करेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर यू आर क्वालिफाइड लिख रहा है तो यहाँ बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हियर टू डाउनलोड काउंसलिंग लेटर है, तो आपको काउंसलिंग लेटर डाउनलोड कर लेना है। चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करने के लिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका काउंसलिंग लेटर डाउनलोड हो जाएगी। इस प्रकार देख सकते हैं आपका होगा जो है, यहाँ पर आपकी फोटो, नेम वोम शो करेगा, यहाँ पर सारी डिटेल्स शो करेगी, रोल नंबर, इसके बाद आपका टिकट नंबर शो करेगा और आपकी ओवरऑल मेरिट शो करेगी। यहाँ पर देखिए 288 मेरिट है और जो है OBC आपकी कैटेगरी वाइज मेरिट शो करेगी दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखा रहेगा कब आपको रिपोर्ट करना है, तो देख सकते हैं मैं दिखा देता हूँ स्टेप बाई स्टेप। देख सकते हैं यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कब रिपोर्ट करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट प्रोविजनली काउंसलिंग, मतलब काउंसलिंग के लिए आपको कब रिपोर्ट करना है, 15/7/2019 को 1 बजे, इनका 1 बजे है आपका, जब भी वो आप अपना देख ले काउंसलिंग लेटर पर, तो इतने बजे जो है आपको वहाँ पर जो है इन पहुँचना है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं ये काउंसलिंग की जो है इसमें लिया मेंशन किया गया, आप इसे अपना डाउनलोड करके अपना पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 3 ईयर्स डिप्लोमा का सर्टिफिकेट एडमिशन के लिए जो है नोटिस जारी हुआ जो, तो काउंसलिंग में जो है सबसे पहले आपको जो क्या ले जाना है, यहाँ पर देखिए काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रतियां जमा करने के लिए प्रत्येक की 2 सेट SOM की छाया प्रति, मतलब आपके पास ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। तो इसमें यहाँ पर नोटिस में दिया गया है IERT प्रवेश पत्र परीक्षा 2019 के लिए आपको जारी मूल प्रवेश पत्र, सबसे पहले आपको ये प्रवेश पत्र जो है इसको डाउनलोड करके ले जाना है। इसके अलावा अपने सभी जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, हाई स्कूल अगर आपने इंटर किया इंटर और जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट है SC ST के या OBC जो है जाति प्रमाण पत्र, और बाकी जो है यहाँ पर देखिए 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाने हैं वहाँ पर, जिस पर नाम और दिनांक लिखा हो, नाम और दिनांक भी लिखा होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा आप इसे अच्छे से पढ़ ले, इसमें सारी जानकारी दी गई है आपको क्या क्या लेके जाना है दोस्तों। यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको TC भी लेकर जाना है और चरित्र प्रमाण पत्र भी अपना लेकर जाना है अपने कॉलेज से। तो अभी आपके पास जो है 10-15 दिन का आपके पास समय मिलेगा जो है, तो आप आराम से जल्दी से अपना सारे डॉक्यूमेंट बनवा ले। अभी जो है समय है जो इनका 15 जुलाई को है, तो इनके पास अभी समय काफ़ी सारा समय है। तो चलिए यहाँ पर मैं और यहाँ फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा। तो यहाँ फीस की जो है, फीस यहाँ पर जो है 1000 काउंसलिंग फीस लिया जाएगा आपसे, और एडमिशन के लिए जो है आपसे 20,840 रुपये लिया जाएगा दोस्तों, सभी पाठ्यक्रम, कोई भी आप पाठ्यक्रम, सभी वर्ग के लिए और सभी पाठ्यक्रम के लिए, जिसमें जो है आपको अलग अलग DD बनवा कर लेके जाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवा कर लेके जाना है, एक 14,430 रुपये का, एक 840 रुपये का, एक 4,570 रुपये का और एक 1,000 रुपये, ऐसे 4 डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाने हैं दोस्तों। ये बनवाकर आपको लेकर जाना है जो है, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा अगर आप डिमांड दोस्तों। आपको बता दूँ वहाँ काउंसलिंग के समय जिनका डॉक्यूमेंट पूरा नहीं रहता है या जो है DD नहीं रहेगी तो तुरंत वहाँ निकाल दिया जाता है, कोई भी समय नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों आप ये सब डॉक्यूमेंट अपना बनवा लीजिए इसे अच्छी तरह से पढ़कर, और सभी डॉक्यूमेंट लेकर जो है
वहाँ पर पहुँचे जो है। इसके अलावा जो दोस्तों आपका जो जाति प्रमाण पत्र वो देख सकते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र, उसका जो है कंप्यूटर मतलब नेट कॉपी भी सत्यापित वाला भी लेकर जाएं दोस्तों, मतलब सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना, इसे अच्छी तरह से एक बार नोटिस पढ़ लें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आए वो आपको सारी जानकारी मिलते रहे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।